आज मैं किचन एसेंशियल्स का इडली मेकर और ट्राईप्लाई फ्राई पैन यूज करके आपके लिए बहुत हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। इडली ढोकला बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी और जालीदार इडली ढोकला ब्रेकफास्ट के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है और बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाला है। सबसे पहले ढोकले के लिए बैटर रेडी कर लेते हैं। बेसन, सूजी, चीनी, नमक स्वाद अनुसार, कुटी हुई अदरक हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, रिफाइंड ऑयल और खट्टा दही। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे फेंटते जाना है। क्वांटिटी की सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 10 से 15 मिनट तक आपको इसे अच्छी तरीके से फेंटना होगा। ऐसे छोटे छोटे बबल्स दिखने लगे इसका मतलब बैटर हमारा रेडी है। 2 पैकेट ग्रीन वाला इनो डाल रही हूँ यहाँ पे। हल्के हाथों से एक बार फिर से इसे मिक्स कर ले। वैसे किचन एसेंशियल्स का इडली मेकर काफी पसंद आया है मुझे। स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी काफी अच्छी है। किचन एसेंशियल्स के प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन जैसे अमेजोन, जियो मार्ट पर मिल जाएंगे या फिर किसी भी लोकल कुकवेयर डीलर से आप परचेज कर सकते हो। चलिए ढोकला के लिए तड़का रेडी कर लेते हैं। नींबू, चीनी और पानी इसका एक घोल बना लेंगे। तड़का लगाने के लिए मैं यहाँ पे किचन एसेंशियल्स का ट्राईप्लाई फ्राइंग पैन यूज कर रही हूँ। इस फ्राइंग पैन में आप कुछ भी बनाइए, खाना बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो आप भी जरूर से अपने रसोई का मेकओवर करिए और टेस्टी टेस्टी खाना बनाइए किचन एसेंशियल्स के बर्तनों में।